हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HSSC CET ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2023 ग्रुप डी के 13,536 खाली पदों को भरने के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। कैसे, कब और कहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने कुछ दिनों पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के तहत यहां पर 13,536 ग्रुप डी के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था। सिलेक्शन आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर होगा। तो यहां पर अब आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने हैं। कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। आपको एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहना है। डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म CET 2023 के लिए 5 जून 2023 से 26 जून 2023 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। अब आपका हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप डी का एग्जाम 21 और 22 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है, दो शिफ्ट्स में। एडमिट कार्ड आप अपना एग्जाम कंडक्ट होने के 2 या 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर HSSC CET ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2023 आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा, या फिर गाइस आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर टाइप करोगे hssc.gov.in और उसके बाद आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाओगे। यहां पर टॉप पर ही आपको आपके एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहां पर आपको रिटर्न एग्जाम का नोटिस दिया गया है कि कब आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, ऐसे ही यहां पर आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। एग्जाम कंडक्ट होने के 2 या 4 दिन पहले आपको यहां पर आपका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गाइज व्हाट्स न्यू सेक्शन में या फिर पब्लिक नोटिस सेक्शन में आपके एडमिट कार्ड का लिंक यहां पर एक्टिव कर दिया जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 ग्रुप डी के जो 13,536 खाली पद हैं, उनके लिए आपको पब्लिक नोटिस सेक्शन में या फिर व्हाट्स न्यू सेक्शन में या फिर यहां पर टॉप पर ही आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। 21 और 22 अक्टूबर 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, उससे 2 या 4 दिन पहले यहां पर लिंक एक्टिव होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर, और उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन जो आपको यहां पर शो हो रहा है वो सिक्योरिटी पिन यहां पर आपको एंटर करना होगा और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका एडमिट कार्ड शो होगा, कुछ इस तरह से आपका एडमिट कार्ड शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे कि क्या एग्जाम की डेट है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किस वेन्यू पर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो और किन किन चीजों को आप एग्जाम में कैरी नहीं कर सकते हो, सभी डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है, उसके बाद आपको अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के साथ साथ ही आपको अपना एक वैलिड फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CET 2023 ग्रुप डी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। गाइज, आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट, सिटी और एडमिट कार्ड के नोटिस के रिगार्डिंग PDF दी गई है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहां से आप चेकआउट कर सकते हो आपका हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2023
ग्रुप डी का जो कि 13,536 पोस्ट के लिए होने जा रहा है, वो एग्जाम आपका 21 और 22 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है। आपका एग्जाम दो शिफ्ट में कंडक्ट होगा, मॉर्निंग में 10 बजे से 11:45 तक और इवनिंग में शाम 3 बजे से 4:45 तक आपका एग्जाम यहां पर कंडक्ट होने जा रहा है। आप चेकआउट कर सकते हो। वेरियस पोस्ट यहां पर ग्रुप डी के अंतर्गत भरी जाएगी 13,536, जिनके लिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपकी एग्जामिनेशन सिटी का इंटीमेशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अपनी एग्जाम सिटी चेकआउट कर सकते हो। एग्जाम सिटी चेकआउट करने के लिए आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन एंटर करके अपना सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन सिटी यहां पर आपको शो कर दी जाएगी कि किस सिटी पर आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका एग्जाम 21 और 22 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम कंडक्ट होने के 2 या 4 दिन पहले HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा, उसको डाउनलोड करके आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। तो दोस्तों ऐसे आप अपना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2023 ग्रुप डी 13,536 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।